ओपन सीवी 310 या ओपन सीवी लाइब्रेरी हम कहते हैं, ओपन कंप्यूटर विजन, और साथ में विजुअल स्टूडियो 2015, इसमें हम ओपन सीवी का प्रोग्राम बनाएंगे और देखेंगे किस तरीके से सेटिंग करनी पड़ती है, कहाँ से आपको ये सब चीजें मिलेगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए ओपन सीवी 310, तो इसके लिए आप अपने गूगल पे जाइए और सीधा इसी को टाइप कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। जो भी फर्स्ट लिंक आएगी वही इंपॉर्टेंट होगी, देखिए यहाँ पर आ गई। अब इसमें अलग अलग वर्जन होंगे ओपन सीवी डॉट ओ आर जी में, और जो वर्जन होंगे इसमें आप देखिएगा कि 310 ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, और इसके पहले जो 2.4 वर्जन थे वो हम क्यों यूज नहीं कर रहे हैं। ये जो 310 है इसमें केवल एक फाइल होती है, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कि केवल एक फाइल जो है वो सेटिंग में इंक्लूड करनी पड़ती है, बाकी जो पहले आपके वर्जन थे उसमें बहुत सारी करनी पड़ती थी, और उसमें यूजर को समझ में नहीं आता था कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं इंपॉर्टेंट है, जिसने बता दिया वैसे वो कर लेते थे। तो जैसे ये 2.4.13 है, ये आपके पास ऑप्शन है ना, ये वाला, आप यहाँ पर 3.1 पे जाइए, 3.1 के ओपन सीवी फॉर विंडोज, और इसको इंस्टॉल, इसमें इंस्टॉलर भी है और आपका पैकेज भी है, आप बना भी सकते हैं। तो ये देखिए ओपन सीवी शुरू हो गया, तो ओपन सीवी जैसे डाउनलोड हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा एक इंस्टॉलर, और फिर उसको किस तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे और कैसे उसको चलाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ओपन सीवी 310 हो गया, 110 MB का है। मैं इसको, ये एक सी है तो आप, मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, उसका कारण ये है कि मेरे पास ऑलरेडी है, मैं इसे इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो अब यहां पर हम आएंगे और हमारे पास ये इस तरीके से बन के आ जाएगा, ओपन सीवी 310 EXE। इसको राइट, इसको डबल क्लिक करिएगा, और उसके बाद यहाँ पर जो भी आपको पाथ आए, आप सीधा यहाँ पर पाथ जो देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ ये, तो आप सी में ये वाला पाथ दे देंगे, ओपन सीवी 310, ये आप नाम लिख देंगे यहाँ पर, यानी कि आपको यहाँ पर केवल नाम देना है इस जगह पे जो इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है, यहाँ पर आपको ये नाम देना है, या अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यही पाथ अगर आपको देना पड़ेगा आगे। जब ये वाला काम हो जाएगा तो आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसके बाद अपने आप ऑटोमेटेड चलेगा। तो ये एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, देखिएगा ये आपको जो दिखाई देगा यहाँ पर अपने आप इंस्टॉल कर देगा। इसके अंदर आपके पास दो फोल्डर्स आएंगे, एक बिल्ड फोल्डर है, एक सोर्सेस है, बिल्ड और सोर्सेस है। तो बिल्ड के लिए आप क्या करेंगे, बिन है इसके अंदर, इंक्लूड है, और x64। ओपन सीवी 310 आपको 64 बिट के लिए प्रोग्राम बनाने के लिए केवल अलाउ करता है, 32 इसमें है ही नहीं ऑप्शन। तो बिन है, इंक्लूड है, ये बिन और इंक्लूड को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये x64 को ध्यान से देखिएगा, और ये VC14 को ध्यान से देखिएगा। ये सारी चीज इसलिए क्योंकि ये सब हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करने वाले हैं अभी। ये जो X6, ये VC14 जो आप देख रहे हैं इसका मतलब क्या है, और VC12 का मतलब क्या है कि अगर 2012 आप ये यूज करना चाहते हैं वीडियो विजुअल स्टूडियो, तो आप ये वाला वर्जन ले लेंगे, ये वाला VC12, लेकिन क्योंकि हम 2015 पे बना रहे हैं इसलिए हम VC14 वाला लेंगे। तो एक एक करके आप स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो शुरू करें, आपका विजुअल स्टूडियो 2015,